स्टार्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में, कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या नेसेसरी पैकेज होते हैं, कौन सी क्लास कहाँ पर रखनी चाहिए, ठीक है, डेटाबेस की कनेक्शन को कैसे मैनेज करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को। तो एक एग्जांपल पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास एक यूज़र है, वो यूजर हमारे पोर्टल पे आता है, वो अपने डिटेल को रजिस्टर करता है, ठीक है। तो उसकी डिटेल को हमें डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो जो डिजाइनिंग की पार्ट होगी वो हमने लिख दिया अपने जेएसपी में, तो हमारा जो फोल्डर बना हुआ है वेब कंपोनेंट का, उसके अंदर अपना जेएसपी बना दिया। जैसे ये प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, SRC मेन वेब ऐप के अंदर यहाँ पे हमने एक जेएसपी बना दिया। लेट सपोज हमने जेएसपी बनाया रजिस्टर्ड यूजर डॉट जेएसपी, और उसके अंदर हमने सारे टैग्स बना दिए जो भी हमको यूजर से इनपुट लेना है, लाइक अगर रेडियो बटन चाहिए वो डाल दिया, चेकबॉक्स डाल दिया, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने जेएसपी को अपनी डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये तो पार्ट होगा, यूआई का पार्ट हो गया जो हमने जेएसपी में क्रिएट कर लिया। अब बात आती है कि वो जीएसपी के डेटा को हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। अब डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में MySQL। अब MySQL में स्टोर करना है तो उसके लिए हमें जावा की हेल्प लेनी होगी, MySQL के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। तो कुछ कोड होंगे, कुछ ड्राइवर्स होंगे जो हम डालेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम MySQL का एक ड्राइवर डालेंगे और एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट कि MySQL के साथ कनेक्ट कर रहा है, कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख के ड्राइवर के हेल्प से हम एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करके MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो जो MySQL का कनेक्शन के लिए हमने क्लास बनाया और मेथड बनाया, वो एक कॉमन प्लेस पे रख देंगे। कॉमन प्लेस पे इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हम यूजर की डिटेल रजिस्टर कर रहे हैं, कल के हो सकता है प्रोडक्ट भी हम सेव करें, ऐड टू कार्ट करें, मेक पेमेंट करें, तो ये रिकॉर्ड भी डेटाबेस में जाएंगी, तो इन सबको भी तो चाहिए होंगे डेटाबेस का कनेक्शन। तो हमने क्या किया कि एक कॉमन मेथड बनाया, कॉमन क्लास बनाया, उसको एक कॉमन लोकेशन पे रख दिया। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो हम कॉमन सेक्शन बना रहे हैं ये क्या है। तो हमें लगा कि नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो उसके लिए हमने एक पैकेज क्रिएट कर दिया कॉन्फ़िग नाम से। कॉन्फ़िगरेशन नाम से हमने एक पैकेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे देखो हमारा बेस पैकेज क्या था, com.g2it.ecom। उसके बाद हमने एक कॉन्फ़िग नाम से पैकेज क्रिएट किया और इसी के अंदर MySQL कनेक्शन का क्लास बना दिया और यहीं पे हमने मेथड लिख दिया। अब जहां भी हमें डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत होगी, जिस सेक्शन में जरूरत होगी, इसको हम कॉल कर लेंगे इस क्लास के हेल्प से, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, या फिर ये मेथड स्टैटिक है तो डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। अगर ये अप्रोच अप्लाई नहीं करते, हमें जहां जरूरत पड़ती वहीं पे कनेक्शन गेट करते, तो क्या होता, रिपेटिव कोड होता। हमें 10 जगह पे डेटाबेस कनेक्शन की जरूरत पड़ रही है, 10 जगह पे ये लिखे जा रहे हैं सारे कोड को। कल के अगर हमें कोई भी क्रेडेंशियल चेंज करना हो, यूजर नेम या पासवर्ड या डेटाबेस का नाम, तो हमें 10वीं जगह पे चेंज करना होगा ना। तो इंस्टेंस ऑफ यूजिंग मल्टीपल लोकेशन हमने एक कॉमन बना के रख दिया कॉन्फ़िगरेशन पैकेज के अंदर। ये कॉमन को ही हम एक्सेस कर रहे हैं जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट हो रही है। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोलर की। कंट्रोलर देखो मैंने पहले भी बताया है, फिर से भी बता रहा हूं। जैसे हमको डिटेल रजिस्टर करना है तो जेएसपी पेज से हमको जावा के अंदर डेटा लाना है, तो उसके लिए हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा। वो कंट्रोलर क्या कंट्रोल करेगा, जेएसपी के इंफॉर्मेशन को बाइंड करेगा जावा के अंदर। मतलब जो जेएसपी से हमारी रिक्वेस्ट आएगी वो कहाँ पे एक्सेस होगी, एक जावा क्लास में एक्सेस होगी, और उस जावा क्लास को हम एक कंट्रोलर बनाएंगे बाय यूजिंग HTTP सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट के हेल्प से हम एक क्लास बनाएंगे
और इसका नाम हमने दे दिया कंट्रोलर। ये क्या कर रहा है, डेटा को मैनेज कर रहा है जो हमारे यूआई से आ रही है या यूआई पे हमें भेजनी है। ठीक है, अब कंट्रोलर की मैपिंग जो है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। हमें हर कंट्रोलर का जो होगा, हमारी जो हर एक सर्वलेट होगी जो कंट्रोलर होगा उसका एक यूआरएल बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सएमएल के अंदर मैपिंग करते हैं। वो हमारी एक्सएमएल वेब आईएनएफ में है, वेब डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। जैसे ये हमारा है रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, अब इसको हमें यहां पे लिखना रहता तो क्या करते हैं? ये जो यूजर कंट्रोलर की मैपिंग कर रखी है इसको जस्ट यहां से कॉपी कर लेते और यहां पे पेस्ट करते। ठीक है, और यहां पे हम दे देते क्या, कंट्रोलर का नाम दे देते। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारा, रजिस्टर कंट्रोलर। ये पैकेज के साथ हमने पाथ पास कर दिया और उसका एक नाम हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, मान लो ये रेज कंट्रोलर दे दिया। ठीक है, शॉर्ट नेम में। तो ये सर्वलेट का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं, प्लस हम अपने उस क्लास का जो कंट्रोलर क्लास है उसका पैकेज तक का पूरा पाथ दे देंगे। ठीक, अब उसकी हम मैपिंग करेंगे एक यूआरएल के साथ। तो ये जो हमारा रेज कंट्रोलर है इसको हमने यहाँ पे दे दिया सर्वलेट का नाम, प्लस उसका एक यूआरएल हमने बना दिया, मान लो ये रजिस्टर नाम से एक यूआरएल बना दिया। अब जीएसपी में हम इस यूआरएल को कॉल करेंगे तो वो इस कंट्रोलर के अंदर कॉल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम मैपिंग करते आए हैं अभी। तो ये कोड क्या हो रहा है, इतने सारे हमें कोड लिखने पड़ रहे हैं। मान लो हमारे पास 100 कंट्रोलर रहते तो कितने कोड हो जाते, समझ रहे हो, ये लाइंस ऑफ कोड बढ़ते जाते उसके हिसाब से हर कंट्रोलर के लिए, और इसको मैनेज करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो एक ये अप्रोच है। दूसरा है कि हम एक एनोटेशन यूज कर ले, जो कि अभी यूज कर रहे हैं। इसको हटा दूं मैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम यूआरएल ही बना रहे हैं, तो उसके जगह पे हमने एक एनोटेशन यहां पे यूज कर लिया, वेब सर्वलेट, और यहां पे यूआरएल को पास कर दिया। ये देखो सर्वलेट का एनोटेशन है, वेब सर्वलेट, जो बाइंडिंग के काम आता है। या तो हम एक्सएमएल बेस कर ले या तो जावा में एनोटेशन बेस कर ले बाइंडिंग। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखने को मिल जाएगी। अगर अटैच करोगे तो इसको, अगर सोर्स कोड अटैच कर लोगे तो प्रॉपर्टीज सारी देखने को मिल जाएंगी। तो वेब सर्वलेट एनोटेशन यूज करके बस सिंपल यूआरएल पास कर दिया, हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सएमएल में बताना नहीं पड़ा कि भाई कौन सा क्लास होगा, उसका नाम क्या रखे, उस नाम पे कौन सी यूआरएल बनाए। हम सिंपल उसी क्लास पे एनोटेशन यूज कर लिए, वेब सर्वलेट एनोटेशन यूज कर लिए, वहां पे यूआरएल बना दिया। ये थोड़ा सा इजी अप्रोच हो गया। क्लियर है, जैसा कॉन्फिग पैकेज और कंट्रोलर पैकेज से अवेयर हो? जी सर, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने मॉडल लेयर की। मॉडल क्लास बनाते हैं ना, सेटर गेटर, वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उसके अंदर, सेटर गेटर होते हैं। तो जो मॉडल क्लास होती है उसका काम होता है डेटा ट्रांसफर करने का। वो एक डीटीओ की तरह होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है हमारा क्लास, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक क्लास से दूसरे क्लास पे फॉरवर्ड करता है। रिक्वायरमेंट होती है तो जेएसपी पे फॉरवर्ड करता है, जेएसपी से डेटा लाके उस मॉडल के अंदर बाइंड करके आगे दूसरे क्लास में हम पास करते हैं। ठीक है, तो या तो हम सेटर गेटर के थ्रू उस मॉडल में डेटा सेट करते हैं या फिर हम वाया कंस्ट्रक्टर सेट करते हैं। ये दो अप्रोच से हम लोग सेट करते हैं उसके अंदर। तो मॉडल क्लास बनानी कब चाहिए, इसके लिए तो पहले एक अलग पैकेज क्रिएट करेंगे जितने भी मॉडल क्लास होंगी। तो जैसे हम रजिस्टर यूजर कर रहे हैं, यूजर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि यूजर को हम रजिस्टर कर रहे हैं उसकी 10 फील्ड है जो डेटाबेस में सेव होनी है। ठीक, तो ये यूजर से रिलेटेड एक टास्क हो गया और उसके 10 फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्लास बनाएंगे, किस नाम से, यूजर नाम से मॉडल क्लास बनाएंगे, और जितने फील्ड हमें डेटा ट्रैवल कराने हैं उन सारे फील्ड से रिलेटेड हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना लेंगे। ठीक है, और डेटा टाइप कैसे डिसाइड करेंगे उस वेरिएबल का, जैसे हमको यूजर का नाम एंटर करना है, यूजर का नाम एंटर करना है तो नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अगर
अगर उसका मोबाइल नंबर है तो हमें पता है कि मोबाइल नंबर जो है इंटीजर है या लॉन्ग है, तो उस लॉन्ग टाइप का बना दिया। ठीक है, तो वो डिसाइड करते हैं हम लोग उसके डेटा से उसके डेटा टाइप को हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है इतना? अभिषेक, राहुल, जी सर। मॉडल क्लास। हाँ वो पूछो। सर मेरा एक डाउट आ रहा है कि जो यूआई से इनपुट, मतलब जो भी यूजर इनपुट डालेगा उसमें, तो वो कैसे कनेक्ट होगा, मतलब वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा मैं ये सर। करते हैं ना, देखो सारी कहानी हो गई, अभी इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। चलो प्रोजेक्ट सर भी बन गया है। ये देखो बनाया है हमने यहाँ पे यस सर। एक, ठीक है, ये फॉर्म बनाया है। यहाँ पे देखो फॉर्म में एक्शन देते हैं, एक यूआरएल यस सर यस स्लैश सर यूआरएल दिया, तो ये हम चेक करेंगे कि ये यूआरएल है कहाँ। तो हम या तो वेब एक्सएमएल के अंदर मैपिंग करके रखे होंगे या फिर हमने एनोटेशन यूज किया है। तो यूजर के लिए मैंने यहाँ पे देखो मैप किया हुआ है ये, ठीक। ओके और सर इसकी मैपिंग क्या है, यूजर कंट्रोलर। तो यूजर कंट्रोलर पे चलोगे, ठीक है। तो अब देखो एड यूजर में क्या किया है, मेथड टाइप पोस्ट। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर आए, यहाँ पे देखे पोस्ट कौन सा है, तो यह है ना डू पोस्ट। डू यस पोस्ट सर में आया। अब जेएसपी में देखो हम लोग क्या करते हैं, हर एक फील्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे इसका नाम सर डिसाइड किया, नेम, एज एज सबका दिया ना, इसका जेंडर दिया होगा, ठीक है, इसका ईमेल है, इसका एड्रेस है, तो ये दिया है। तो यहाँ पे यूजर कंट्रोलर में क्या करते हैं, ये जो डू पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने यस कॉल सर किया, वो कहाँ गया, रिक्वेस्ट हुआ यहाँ पे डू पोस्ट में, तो यहाँ से निकाल रहा है ना रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और जो भी फील्ड का यस नाम पास करेंगे वो वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सर। और फिर ये कहाँ, फिर ये डेटाबेस एसक्यूएल में ऐड करना पड़ेगा अभी सर। एसक्यूएल में तो गया ही नहीं, ये हमने यहाँ से निकाला और यूजर नाम का एक मॉडल बनाया हुआ है। ये मॉडल, इसके अंदर वेरिएबल है नेम, एज, जेंडर। यस सर इसमें देखो सेट कर रहे हैं, यूजर डॉट सेट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यस सर नेम, यूजर डॉट सेट एज। तो सबको क्या किया, यूजर नाम के मॉडल में सेट कर दिया यहाँ से, ये सारे इंफॉर्मेशन को जो जेएसपी की थी, अब यूजर नाम के मॉडल में सेट कर दिया। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी पूरी फॉर्म की डेटा आ गई, ठीक है। ओके सर अभी कोई डाउट? नो सर एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे, दो बार तीन बार, तब जाके ये क्लियर होगा। मैं ऐसे बता दूंगा, सुन लोगे फिर छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करोगे उसके बाद कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो हमने बात किया अभी तक कि कॉन्फ़िग पैकेज कब बनाते हैं, क्या चीजें कॉन्फ़िगरेशन में रखनी है। जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पार्ट है, जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कॉमन कोड है, उसको कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर रखते हैं। कंट्रोलर पैकेज के अंदर हम अपनी कंट्रोलर बनाते हैं, जो सर्वलेट बनाते हैं, ठीक है। मॉडल पैकेज के अंदर हम लोग अपनी वो क्लास बनाते हैं, डीटीओ क्लास, जो डेटा को बाइंड करके एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब दो पैकेज और बात करते हैं, एक हो गया हमारा सर्विस, एक हो गया डाउ। तो सर्विस लेयर पे चलने से पहले हम लोग डाउ पे चलते हैं। इसको बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डाउ का काम होता है डेटाबेस से डेटा को गेट करना। मतलब जो हमारी क्वेरीज होंगी, जो हम MySQL की क्वेरी लिखेंगे, अपने डेटाबेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी लिखेंगे, चाहे इंसर्ट की हो, सेलेक्ट की हो, डिलीट हो, अपडेट हो, किसी भी तरीके की क्वेरी होगी, वो सारी क्वेरी हम लिखेंगे अपने डाउ लेयर पे। और हर एक डाउ लेयर पॉइंट करेगा हर एक इंडिविजुअल टेबल को। जैसे यूजर टेबल है तो उसके लिए बनाएंगे यूजर डाउ, प्रोडक्ट टेबल है तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रोडक्ट डाउ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी टेबल्स होंगे उसके लिए अलग अलग डाउ बनाएंगे, और उस टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होंगी उसी डाउ के अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक।
ठीक है, अब देखो कंट्रोलर पे डेटा आ गया हमारे पास जेएसपी से, और डाओ के अंदर हमने क्वेरीज लिख दी, ये डाओ के अंदर क्वेरी लिख दी। अब ये डाओ के अंदर डेटा आएगा कहां से, तो उसके लिए या तो देखो दो तरीका, या तो कंट्रोलर से सीधा डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उस मेथड को कॉल कर लो। ठीक है, कंट्रोलर से हमने डाओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डाओ क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन ये करने की जगह पे हम लोग एक सर्विस लेयर बनाते हैं। अब सर्विस लेयर में क्या होता है, यहां पे तो देखो कंट्रोलर में जेएसपी से डेटा आया और मॉडल क्लास में बाइंड कर दिया, और डाउ लेयर में क्या किया कि उस डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। लेकिन उस डेटा पे किसी भी तरीके की अगर वैलिडेशन लगानी है, जैसे हमको यूजर नेम है वो चेक करना है कि भाई वो सही यूजर है कि नहीं है, फिर पासवर्ड जो है उसको इनक्रिप्ट करना है, हमें ये चेक करना है कि ईमेल आईडी जो आया है वो नल तो नहीं ना है, उसने ब्लैंक तो नहीं ना भेजा, तो ये सारी क्या हो गई, ये हो गई, ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिजनेस के पार्ट है, मतलब ये सारी कंडीशंस हैं हमारी। तो ये कंडीशन को हमें कहाँ लिखते हैं, सर्विस पे लिखते हैं। तो उसके लिए हम एक सर्विस बनाते हैं और वहां पे सारी वैलिडेशन या जो भी करनी होती करते हैं, अदरवाइज अगर नहीं वैलिडेशन करनी है सीधे डाउ पे पास कर देते हैं। जैसे देखो ये हमारे पास एक जीएसपी है, ठीक है, जीएसपी है, इसके अंदर कुछ फील्ड्स बने हुए हैं, लेट सपोज कुछ भी फील्ड है, तीन चार फील्ड बने हुए हैं। अब ये क्या करता है, ये अपने इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजेगा, कंट्रोलर के पास भेजेगा, ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के पास इसने भेज दिया, जीएसपी ने अपने डेटा को कॉल किया यूआरएल से तो कंट्रोलर के पास आ गया। हमारे पास इधर में डेटाबेस भी पड़ा हुआ है, ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारी MySQL की डीबी है। ठीक है, तो अब हमें डेटा, ये जो डेटा आया हमारे पास जीएसपी से वो गया कंट्रोलर पे। अब देखो दो चीजें, या तो हम कंट्रोलर से सीधे डेटाबेस में डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कन्वेंशन होते हैं, पैटर्न होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ पैटर्न होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए और कोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए जिससे हम इजिली मेंटेन कर सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे हम एक डाओ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक डाओ बना दिया, और ये डाओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। डाओ जो था वो हमारा डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। ठीक है, तो अब देखो यहां से कंट्रोलर जेएसपी से आया डेटा हमारे पास कंट्रोलर में, कंट्रोलर से हम डाओ में भेजे और डाओ क्या करे MySQL के अंदर सेव कर सकता है, इतना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक यहां पे एक और लेयर ऐड कर दिया, यहां पे एक और लेयर ऐड कर दिया, सर्विस लेयर बीच में, सर्विस लेयर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब डेटा फ्लो कैसे चल रहा है, जीएसपी से गया कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से गया हमारा सर्विस पे, और सर्विस से गया डाउ पे। ठीक, तो जब जेएसपी से कंट्रोलर के अंदर गया तो उस टाइम पे हमने क्या किया, मॉडल क्लास के अंदर डेटा को सेट कर दिया। एक हमारा मॉडल क्लास है यहां पे, मॉडल क्लास है, इसके अंदर सेटर गेटर पड़े हुए हैं। तो ये क्या किया, जेएसपी से कंट्रोलर पे यार गया, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट से डेटा निकाल के हमने मॉडल में डाल दिया। ठीक है, और इसी मॉडल को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, सर्विस पे भी कर रहे हैं, डाओ पे भी कर रहे हैं, और डाओ से उसी मॉडल से डेटा निकाल के MySQL में डाल दे रहे हैं।
मेरे पास 20 से 25 फील्ड है, तो हर एक इंडिविजुअल फील्ड को एक दूसरे क्लास में तो नहीं ना पास कर सकते। तो हमने क्या किया, उस डेटा को बाइंड कर दिया एक क्लास के अंदर, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है। ठीक, तो कंट्रोलर पे क्या किया, डेटा बाइंडिंग किया, बट उस डेटा से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हमें अप्लाई करना होता, किसी भी तरीके की वैलिडेशन या कंडीशन अप्लाई करनी होती, वो सर्विस पे अप्लाई करते और करने के बाद उसको डाओ के पास भेज देते, और डाओ क्या करता, क्वेरी एग्जीक्यूट करके MySQL के अंदर डाल देता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोड तो हम एक प्लेस पे भी लिख सकते थे कंट्रोलर पे ही, और यहीं पे कनेक्शन ओपन करके सीधे डेटाबेस के अंदर डाल दिया, चला गया, सेव हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। लेकिन कोड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, थोड़ा सा मैनेज वे में लिखने के लिए, हमने उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करके रख दिया कि भाई क्वेरी जो है हमारी डाओ में है, बिजनेस लॉजिक सर्विस में है, कंट्रोलर जो है हमारा वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है डेटा को बाइंड करने के लिए। ठीक, कंट्रोलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक जेएसपी के लिए, जेएसपी कम्युनिकेशन के लिए एक कंट्रोलर बनाते हैं, हर एक टेबल के लिए हम मॉडल बनाते हैं और एक डाओ बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यूजर टेबल है तो उसके लिए एक मॉडल बनेगा और एक डाओ बनेगा, यूजर टेबल के लिए। प्रोडक्ट टेबल है तो एक प्रोडक्ट का डाओ बनेगा, एक प्रोडक्ट का मॉडल बनेगा। ठीक है, लेकिन सर्विस जो होती है वो मॉड्यूल के हिसाब से होती है। जैसे प्रोडक्ट वाले सेक्शन की बात करें तो उसमें कैटेगरी होता है, सब कैटेगरी होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, ब्रांड होता है, ये चार सेक्शन पकड़ के अगर चले तो चार हो गए, तो चार टेबल हो गया, तो चारों के लिए चार डाओ बनेंगे, चार मॉडल बनेंगे। बट सर्विस कितनी बनेगी, सर्विस एक बनेगी, प्रोडक्ट सर्विस, क्योंकि वो एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? अभिषेक, यस सर, अभी कोई डाउट है? नो सर, एक डाउट है सर, अभी भी पूछो। एक बार वो डायग्राम दिख रहे हैं जो कुछ बना रहे थे सर, ठीक है, हाँ बताओ। इसमें सर ये जो आप बताएं कंट्रोलर और सर्विस, गेटर सेटर हमारा मॉडल में है, तो हाँ, मॉडल से क्या सर्विस में नहीं जाएगा कुछ भी? मॉडल से सर्विस पे कैसे जाएगा? मॉडल का काम क्या है, यूजर मॉडल सॉरी, मॉडल का काम है डेटा को बाइंड करके रखना ना। कंट्रोलर के अंदर यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाए और उसके अंदर सेट कर दिया सेटर गेटर से, लेकिन इस सर्विस के अंदर बिजनेस लिखी हुई है तो इसको कॉल तो करोगे ना ऑब्जेक्ट बना के। इसके अंदर अगर मेथड लिखी हुई है, चलो एक फ्लो दिखाते हैं, यूजर का ही फ्लो दिखाते हैं, बाकी सारा मैं बंद करता हूं। ठीक, ये एड यूजर है, ठीक है, एड यूजर है, इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, यहाँ पे यूआरएल कॉल हुआ यूजर। अब इसकी एक्सएमएल में मैपिंग देख के हम आ गए कहाँ पे, यूजर कंट्रोलर पे। पोस्ट टाइप का था तो पोस्ट के अंदर आए, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहा है, डेटा को रिक्वेस्ट से निकाल रहा है और सेट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? यस अब ये यूजर सर्विस हमने बना के रखा हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल है, प्रॉपर वे में आप लोग लिखना। यूजर सर्विस बना के रखा हुआ है, उसके अंदर एक मेथड है सेव यूजर। अभी डेटाबेस कनेक्शन कहीं नहीं हुआ है, डेटाबेस को हमने कनेक्ट ही नहीं किया है कहीं पे भी। ठीक है, तो अभी क्या किया, यहाँ पे सेव यूजर नाम का एक मेथड बनाया सर्विस के अंदर, यहाँ पे आ गए। अभी किसी भी तरीके की वैलिडेशन भी नहीं हो रही है कि चलो ईमेल आईडी इसको वैलिडेट कर लेते हैं, या एज है इसको वैलिडेट कर लेते हैं कि जो यूजर है वो 18 प्लस का हो वही रजिस्टर कर सकता है, वो सारी वैलिडेशन तो लगाएंगे ना। अगर रिस्ट्रिक्शन वाली वैलिडेशन लगानी होती कि एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18, तो वो लगाना पड़ता हमें, तो अभी कुछ नहीं वैलिडेशन लगाया। तो हमने क्या किया, यूजर सर्विस क्या है, सेव यूजर नाम से मेथड है, उसको कॉल किया और उसमें अपने यूजर ऑब्जेक्ट को पास किया। अब इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर सारी डेटा है क्योंकि हमने सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सेव यूजर के अंदर जब आए तो यहाँ पे देखो सेम रेफरेंस उसको मिला जो हमने पास किया था, सेम रेफरेंस मिला ना यहाँ पे जो पास किया था।
सर, अब यहां पे हमें अगर वैलिडेशन लगानी होती किसी भी तरीके की, कि इफ इफ यूजर डॉट गेट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये हो तभी हमारा डिटेल क्या हो, सेव हो। ठीक है, तभी हमारा डिटेल सेव हो। इसको क्या हुआ? अच्छा, एज को हमने वो बना के रखा है, स्ट्रिंग बना के रखा है। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करते हैं? इसको मैं कर देता हूं, वो चेंज कर रहा हूं ना, मैं एज को करता हूं INT। ठीक है, इसको INT चेंज किया, तो इसके सेटर गेटर को भी तो चेंज करना होगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। तो अब इसको क्या हुआ? अच्छा, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया हमको स्ट्रिंग ही चाहिए। कोई नहीं, इसको कास्ट कर देते हैं। रैपर क्लास पढ़ा है, इंटीजर डॉट पार्स INT। नहीं सर, कल पढ़ाएंगे सर, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्लास वही में है। पढ़ाएं। नेक्स्ट यही है। यस सर। बताओ, जो जो तुम लोग नहीं पढ़े हो वही मैं बताते चल जा रहा हूँ आगे। गेट पैरामीटर, इसमें हमने एज पास कर दिया। ठीक, तो इंटीजर में ये कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को यहाँ पे। ठीक है, तो एज हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एज को वैलिडेट करना है हमें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 हो तभी हमारा डेटा सेव हो, तभी हमारा डेटा, क्या है इसको दिक्कत है, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन देखें। ओके, मैं खुद ही गलत लिख रहा हूं। तो अगर ये सेव हो, सॉरी, ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब यूजर ने जो रजिस्टर किया उसका एज अगर 18 है तभी वो रजिस्टर करे, अदरवाइज क्या करेंगे? यहां से एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं या मैसेज रिटर्न करा सकते हैं कि भैया अंडर एज हो, 18 प्लस हो जाना तभी आना रजिस्टर करने इस पोर्टल पे, ये कर सकते हैं। या ईमेल आईडी का वैलिडेशन लगाना होता कि भाई ईमेल आईडी जो है वो नल है, तो ये सारी क्या हो रही है? ये बिजनेस लिख रहा है ना, तो ये बिजनेस कहाँ लिखेंगे बिल्कुल हम? ये बिजनेस हम लोग लिखेंगे अपने सर्विस लेयर पे, इसीलिए सर्विस लेयर बनाते हैं। समझ में आया? यस सर, अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर, अभी क्लियर है ठीक है, अभी क्लियर और है। सर ठीक है, हम। अभी क्लियर है। हेलो बोलो और सर हम ये, बोलो। हाँ मैं से बोलूँ जो ये हम चेक करते हैं, ये हम ना डीप में जाके क्यों चेक करते हैं, जो बिजनेस लेटेस्ट में जाके लॉजिक क्यों चेक होती, नहीं कर देखो, जो रहे बिजनेस हैं? लॉजिक होती है वो कंट्रोलर पे भी लिख सकते हो, लेकिन जो बिजनेस लॉजिक होती है ना वो ऑलवेज हमें सर्विस पे ही मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी तो हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, आगे पढ़ोगे ना तो वैलिडेशन ऑटोमेटिक भी अप्लाई होती है, ये मैनुअल चेक करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे और भी सारी चीजें होती हैं जो हम हैंडल करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करूं कि एक यूजर है, उस यूजर की डिटेल है प्लस उसका एड्रेस है। ई कॉमर्स पोर्टल पे आए, यूजर अपना रजिस्टर कर रहा है एक एड्रेस के साथ। अब एड्रेस तो हम मल्टीपल डाल देते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन के यस अंदर, फ्लिपकार्ट और अमेजन के अंदर मल्टीपल एड्रेस डालते हैं ना, जी एक सर, होम का डाल दिया, एक अपना ऑफिस का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीपल एड्रेस डालते हैं। तो अब क्या हुआ, यूजर तो एक ही है, एड्रेस उसके मल्टीपल है, उसके लिए क्या करेंगे, हमें दो टेबल बनानी पड़ेगी। एक बनाएंगे जिसमें यूजर की बेसिक डिटेल होगी, एक टेबल बनाएंगे जहां पे एड्रेस की डिटेल होगी। तो जब सेव यूजर करने जा रहे हैं उस टाइम पे हमें दोनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, दो बार कनेक्शन बना के दोनों में अलग अलग सेव करने की जगह हम सर्विस पे ही आए और डाओ को इसी एक ही मेथड के अंदर नहीं कॉल कर दिया, कंडीशन चेक करके कि भाई यूजर जब सेव कर रहे हैं, इफ यहां पे कंडीशन लगा लिया, लेट सपोज कि इफ यूजर सक्सेसफुली सेव, हमने वैलिडेशन कर लिया इफ यूजर सक्सेसफुली सेव, तो क्या करें फिर उसके बाद क्या करें, यहां पे देन एड्रेस सेव करो।
देन सेव एड्रेस, ये कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं यहां पे, कि भाई अगर यूजर सेव ही नहीं हुआ और एड्रेस चला गया सेव करने, जब यूजर गया सेव करने उस टाइम एक्सेप्शन आ गया और एड्रेस गया सक्सेसफुली सेव कर दिया, अगर अलग अलग कर रहे होते तो एड्रेस तो सेव हो गया, उसका लेके क्या करेंगे जब यूजर का रिकॉर्ड ही सेव नहीं है, तो वो तो अनवांटेड डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होते जाएगा, गार्बेज डेटा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, वैलिडेशन का पार्ट है ना, ये मैं एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं कि जो भी वैलिडेशंस होंगी वो सर्विस पे ही लगाएंगे, ठीक है। राहुल यस सर, क्लियर आ गया हुआ? जी सर। ठीक है, तो अब जो डेटाबेस के कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, हम अपने सर्विस पे बनाएंगे। जैसे ये सेव यूजर है, यूजर डाओ मुझे कॉल करनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कनेक्शन यहीं पे गेट करेंगे, डाओ पे नहीं गेट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, यूजर भी सेव करना है, उसका एड्रेस भी सेव करना है, तो एड्रेस का डाउ अलग है। क्यों? क्योंकि टेबल अलग है और यूजर का डाउ अलग है, ठीक है। और दोनों क्या जानी चाहिए, एक ही कनेक्शन से जानी चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग कनेक्शन नहीं ओपन करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन एक ही हो रहा है, अल्टीमेटली सेव यूजर हो रहा है, उसके साथ एड्रेस भी जा रहा है, तो एक साथ दो टेबल में भी सेव करना है, हो सकता है इंडिविजुअल एक ही टेबल में सेव करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम क्या करेंगे, कनेक्शन अपने सर्विस लेयर पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे किया कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल, सॉरी क्या था हमारा, माइसिक्वल, क्लास का नाम क्या था, MySQL कनेक्टर माइसिक्वल कनेक्टर डॉट गेट कनेक्शन, ये हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। अब इसी कनेक्शन को हमें आगे पास करना है, डाउ लेयर पे इसी कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को पास करना है, क्योंकि कनेक्शन तो ओपन हो चुका है, अब इस कनेक्शन को पास भी तो करना है डाउ लेयर पे, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं डेटा पास करने के लिए। सर। यहाँ से डायरेक्ट MySQL में नहीं जा सकता यूजर सर्विसेज से। भेज दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, अप्रोच अप्लाई होती है, कंट्रोलर पे ही लिख दो एक नहीं प्रोजेक्ट के तो अंदर। सर जैसे लाइक बोलो, सर एड यूजर अपन को पता चला है कि और यूजर कंट्रोलर उस मतलब डेटा को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और यूजर सर्विसेज में अपन वैलिडेशन लगा रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होती है तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो अपना बिजनेस डेटा लॉजिक को। देखो, यहाँ पे मेन पर्पस होता है बिजनेस लॉजिक लगाना, यहाँ पे हो सकता है यस सर, उस डेटा से रिलेटेड कोई बिजनेस ही ना हो, या हो सकता है बहुत सारे बिजनेस हमें लगानी है, कि पासवर्ड जो जा रहा है इनक्रिप्ट करना है, एज का रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ईमेल वैलिडेट करना है, अगर दो टेबल में जा रहा है साथ में ही, तो पहले एक टेबल का सक्सेसफुली सेव हो गया तभी दूसरे में जाए, ठीक है। ये सारी क्या हो गई, बिजनेस लॉजिक हो गई ना, ये कंडीशंस हो गई हमारी, यस सर, यस सर। एल्गोरिथम कह सकते हो, तो ये सर्विस पे लिख दिया, क्वेरीज नहीं लिखनी चाहिए, उसके लिए मैंने बताया ना कि हर एक इंडिविजुअल टेबल का हर एक डाओ बनता है। तो यूजर डाओ के अंदर आओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, सिंपल सी क्वेरी लिख रखी है बस, इंसर्ट इनटू और एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यहाँ पे देखो डेटा को गेट करके रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस सिंपल सिंपल काम हो रहा है क्वेरी से रिलेटेड, कोई भी लॉजिक कोई भी कंडीशन चेक नहीं मिलेगी, इससे कोड फ्लो हमारा। हाँ मीन सर इससे कोड अपना बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मतलब वो अंडरस्टैंड करने में भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस सर, आप तो ये, समझ हाँ, गए। ये सारे पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन को गेट किया, अब यूजर डाओ में हमें इस कनेक्शन को पास करना है, तो यूजर डाओ के अंदर क्या किया, एक वो बना दिया हमने, कंस्ट्रक्टर बना दिया, कि भैया जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं मैं, तो ये कनेक्शन को पास करूं, तो यूज कर लो उसको, ये तो करते हैं ना कंस्ट्रक्टर से पास। जैसे मुझे यहाँ पे यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजर, यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूजर डाओ इक्वल टू न्यू यूजर डाओ, और इसके अंदर कनेक्शन पास कर दिया, तो कौन सी कनेक्शन गई, ये इसके अंदर क्या है, माइसिक्वल का कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन कहाँ चल गई, डाओ वाले क्लास पे चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे इस वेरिएबल से, करते हैं ना कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम वैल्यू सेट उसके क्लास के मेंबर वेरिएबल में। अभिषेक यस सर,
ये तो क्लियर है ना, इसमें भी कोई डाउट है? नहीं नहीं सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले मैं ये सोच रहा था सर, ये अपन डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग क्यों कर रहे हैं, जैसे लाइक आप यूजर कंट्रोलर में भी कर सकते हैं, बट इसमें सर पूरी खिचड़ी पक जाएगी, पता भी नहीं चलेगा को। अब इसमें अपन डिफरेंट ये यूजर में अपन बिजनेस लॉजिक लिख लेंगे, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट की क्वेरीज नहीं अपन टाइप कर देंगे यूजर डाउन में। ठीक है, तो यहां पे देखो ये यस कनेक्शन हमने पास कर लिया सर्विस से डाउ पे, और इसी कनेक्शन को यूज करके यहां देखो काम कर रहे हैं, यहां पे काम कर रहे हैं ना, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कौन सी कनेक्शन है जो सर्विस से पास होके आ रही है, उसी के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है यहां पे, और उसी का हेल्प करके हम यहां पे कनेक्शन स्टेब्लिश करके डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं यहां पे। अब ये कनेक्शन तो आ गया हमारे पास, बस इसको यूज कर लो यहां से। मेथड का क्या नाम था? डॉट रजिस्टर यूजर, यूजर, और इसके अंदर यूजर को पास कर दो ये। तो ये क्या करेगा, सेव कर देगा डेटा को ले जाके। समझ में आया ओवरऑल पिक्चर? यस सर। अभी किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। कुछ भी डाउट है क्योंकि जो पूछ माई लो। स्कूल से जा रहा है, जो माई स्कूल में जा रहा है सर, वो ये इस लाइन के थ्रू जा रहा है ना, कनेक्शन कौन, माई स्कूल कनेक्टर, गेट देखो कनेक्शन। ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन गेट कर रहे हैं हम लोग, अभी जा नहीं रहा है, हम जावा से अच्छा माइसिक्वल के जान कनेक्शन बना रहे हैं बस। ये यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है ना कनेक्टेड करके, यहाँ पे देखो यस सर, कर रहा है ना गेट कनेक्शन इस डेटाबेस के साथ, ये यस आईडी सर, पासवर्ड लो और जाओ कनेक्ट करके मुझे कनेक्शन दो। तो क्या हुआ, एक कनेक्शन जैसे यस होता है कि हम किसी से की ले लेते हैं किसी रूम के एक्सेस करने का, तो की तो मिल गया बट रूम में एक्सेस थोड़ी किए हैं, अब उस की का यूज करेंगे तब ना एक्सेस करेंगे, तो जस्ट लाइक अ की। ठीक है, तो ये सर्विस पे हमने उस की को ले लिया, अब उस रूम के पास गए और वहां से जो भी प्रोसेस करना है, इन कराना है, इन करा लिया। तो अब वो इन का काम कहाँ हो रहा है, ये रजिस्टर मेथड है जो यहाँ पे देखो हो रहा है, क्वेरी लिख रखी है इंसर्ट इन टू यूजर डिटेल डेटा, तो इंसर्ट इन टू क्वेरीज रन करेंगे तब ना सेव होगा जी। ठीक है, यस समझ में आया? सर। पर अब ये जाएगा कब सर डेटा? अब इसको प्रैक्टिस करोगे, ये प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें लिख रखी हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं अभी वो बता देता हूं कि डेटा गेट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा है। सुनो कमेंट कर दो। ठीक है, हो गया। तो कंट्रोलर पे डेटा आ गया, सर्विस पे बिजनेस लॉजिक लिख लिया अपना, डाउ लेयर पे हम ऑपरेशंस करेंगे। तो यहाँ देखो यूजर डाउ में ही आते हैं अगर यहाँ पे, तो सेव करने का ये मैकेनिज्म है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रिपेयर स्टेटमेंट करते हैं, उसके अंदर क्वेरी पास कर देते हैं, और प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से हम सेट कर देते हैं डेटा जिस टाइप का, सेट स्ट्रिंग करना है, सेट स्ट्रिंग टाइप का डेटा, सेट स्ट्रिंग आईएनटी है तो सेट आईएनटी, ऐसे करते हैं, लास्ट में एग्जीक्यूट अपडेट करा देते हैं तो डेटा को सेव कर देता है अगर कोई भी एरर नहीं है तो। ठीक, ये हो गया। अब अगर हमें डेटा गेट करना है, तो डेटा गेट करने के लिए हम लोग क्या क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो देखो यहां पे क्वेरी लिखा हुआ है, कनेक्शन तो ऊपर आ गया जब डाउ का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, यहां पे क्वेरी लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल, ये क्वेरी लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रिपेयर स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, और स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे यहां पे। ये सेलेक्ट के केस में हो रहा है, दोनों तरीके हैं, या तो प्रिपेयर स्टेटमेंट कर लो या तो स्टेटमेंट का यूज कर लो। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेटमेंट का यूज करके स्टेटमेंट एक क्रिएट किए, और उससे हम डेटा को क्वेरी को एग्जीक्यूट करके डेटा गेट कर रहे हैं। अब वो डेटा तो हमें मिल गया बट माई सिक्वल टाइप का ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट सेट के अंदर डाला,
ये एक इंटरफेस है रिजल्ट सेट, इसके अंदर डाला, जैसे मुझे 10 डेटा मिले तो इसके अंदर 10 डेटा आ गए। अब उसे हमें एग्जीक्यूट करके निकालना होता, वन बाय वन निकालना होता, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कोई भी एरे होता है या एरे लिस्ट, उसको आइट्रेट करना होता, तो लूप चलाते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अगर हमें पता है कि एक ही डेटा है तो उस केस में तो हम यहाँ पे कर देंगे इफ आरएस डॉट नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ट्रू रिटर्न करता है, ऑलवेज ट्रू और फॉल्स करता है, कि जब डेटा मिलेगा तो ये नेक्स्ट ट्रू रिटर्न करेगा, डेटा नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें मिल गया। अब जैसे हमको नेम निकालना है, तो हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहां पे हम पास कर देंगे उस कॉलम का नाम। कॉलम का नाम था हमारा क्या, नेम। कौन सी कॉलम का नाम यहां पास करेंगे, जो हमारे MySQL में टेबल का नाम, टेबल के कॉलम का नाम होगा यहाँ पे, कि भैया उस टेबल का जो कॉलम का नाम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसकी डेटा निकालो और उस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो ऐसे ही जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे सबके लिए लिख लेंगे यहाँ पे। यस सर। ठीक है, सबको लिख लेंगे। तो या तो हम एक एक वेरिएबल बना के यहाँ पे काम करें, या फिर हमने क्या किया कि यूजर डिटेल का ही ऑब्जेक्ट बना लिया, यूजर डिटेल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यूडी इक्वल टू न्यू यूजर डिटेल, और डायरेक्ट इसी में सेट कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ यूडी नाम से बना है तो मैं उसी को यूज करता हूँ। लेट्स इसको कमेंट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ यूडी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट इसी में सेट कर दिया इसके सेटर गटर के हेल्प से। जैसे मुझे सेट करना है तो क्या करेंगे, यूडी डॉट सेट नेम, और इसको उठा के डाल देंगे अंदर में। यहां पे तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में डेटा हमारा पास हो गया। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे यहां पे, जहां भी इस मेथड को कॉल कर रहे होंगे वहां पे पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। भाई मेरे पास 10 डेटा है तो 10 वेरिएबल थोड़ी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न टाइप तो एक ही देना होगा ना, तो हम मॉडल में उसको बाइंड करके रिटर्न कर रहे हैं। ये हो गया, जब हम सिंगल रिकॉर्ड निकालेंगे, जैसे हमको पता है यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल टू 1 किया तो मुझे पता है कि 1 से एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, तभी ये इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ आरएस डॉट नेक्स्ट। अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं डाले हैं, ये कंडीशन नहीं लगाए हैं, मैं नहीं श्योर हूं कि मुझे एक डेटा मिलेगा कि 10 मिलेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप ये तब तक चलेगा जब तक कि आरएस में उसको डेटा मिलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक उसको आरएस में डेटा मिलेगा, ये तब तक चलेगा, और इसको हम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझे? समझ गया। देखो अब इसको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ये कोड को मैं रोल बैक करता हूं और एक नया ही मेथड लिखता हूं डाओ पे। एक सेकंड, जस्ट इसी के नीचे मैं एक मेथड लिखता हूं, पब्लिक। हमें क्या करना है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे ना, क्योंकि हम हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी आएगी सबको रिटर्न करना है, तो उसको लिस्ट में डाल देंगे। तो लिस्ट, लिस्ट ऑफ क्या होगा, यूजर डिटेल बना सकते हैं ना, ये यूजर डिटेल्स। अभिषेक Yes, ये तो बना सकते हैं ना, गेट ऑल यूजर ये बनाया। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल से। ठीक है, अब रिटर्न टाइप हमारा क्या होगा, लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ यूजर डिटेल्स
और यूडी लिस्ट नाम से एक बनाया, इसको अभी नल डिक्लेयर किया, क्योंकि हो सकता है हम सेलेक्ट स्टार करें बट हमें डेटा मिले ही ना, डेटा है ही नहीं टेबल में, तो आप अननेसेसरी का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करें भाई। अभी नल रहने देते हैं, हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे ना, ये सिनेरियो हो सकता है ना कि डेटा है ही नहीं डेटाबेस में, फर्स्ट टाइम गेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम नल रिटर्न कर देंगे। ठीक, ये रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, क्या क्वेरी लिखेंगे, एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक, ये क्वेरी लिख दिया। क्वेरी लिखने के बाद एक स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे MySQL का ही, देखो ध्यान रखना जावा एसक्यूएल का ही स्टेटमेंट यूज करना है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एसटीएमटी, जो नाम से ऑब्जेक्ट बना लो। अब हम कहाँ से गेट करेंगे, कनेक्शन से गेट करेंगे, तो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट से बनाएंगे जहां से हमारे पास डेटा आएगा, ये भी MySQL का होना चाहिए। तो रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाए RS इक्वल टू एसटीएमटी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो हम क्वेरी लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करना है अब हमारी क्वेरी को। तो क्वेरी जैसे एग्जीक्यूट होगी वो कहां जाएगी, RS के अंदर आ जाएगी। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद RS के अंदर आ जाएगी। ये क्या बोल रहा है, अच्छा थ्रो करेगा ना, इसको ट्राई कैच में डाल दो या थ्रोस, यहां से थ्रोस करा लो। ठीक है, इतना समझ में आया जो लिखा है मैंने। अब आरएस के अंदर डेटा तो आ गई, अब हमें लिस्ट का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है, हमने बनाया है नहीं, तो कंडीशन एक चेक कर लेते हैं। इफ आरएस डॉट नेक्स्ट अगर हमें मिलता है आरएस के अंदर वैल्यू, ठीक है, आरएस के अंदर अगर हमें वैल्यू मिलता है तो उस टाइम पे क्या करें, इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना दे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब डेटाबेस से डेटा कुछ मिलेगा, अगर आरएस में कुछ नहीं रहेगा तो ये इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ना ही इसके अंदर कोई डेटा मिलेगा, ना ही आरएस के अंदर कोई डेटा मिलेगा, ना ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो हमारी मेमोरी एलोकेशन भी बच जाएगी। उस टाइम पे नल रिटर्न कर देंगे सिंपल सा, जहां चेक करना होगा चेक कर लेंगे, भाई यूडी लिस्ट में डेटा ही नहीं है तो दिखाएं क्या। ठीक है, इतना तो कर लिया। अब उसके बाद वाइल लूप लगाएंगे यहाँ पे इफ के अंदर ही, कि जब आरएस में डेटा मिल गया तब क्या करो, वाइल आरएस डॉट नेक्स्ट करो। बट एक चीज ध्यान रखो, ये आरएस डॉट नेक्स्ट जैसे ही करोगे ना, अगर 10 डेटा है, जैसे एरे होता है 0 to n-1 चलता है एरे, ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा अभिषेक। ठीक है, तो नेक्स्ट किया मतलब वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप कर गया, आरएस डॉट नेक्स्ट किया तो 0 इंडेक्स को चेक कर लिया, अब 1 इंडेक्स पे आ गया, तो यहां से जब फिर से हम यूज करेंगे ना तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर देगा, 0 को स्किप कर दिया, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे हम लोग कर देते हैं आरएस डॉट प्रीवियस, एक होता है कि भैया जाओ पहले वाले स्टेप पे चले जाओ अपने, कि आरएस डॉट नेक्स्ट करके हमने चेक कर लिया कि हाँ डेटा है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पे प्रीवियस करा दिया कि अपने ओरिजिनल स्टेट में चला गया, उसके बाद यहीं पे वाइल लूप लगा लिया, तो ये क्या किया, 0 इंडेक्स से चल रहा है। ठीक है, अब इस एरे लिस्ट के अंदर हमें डेटा स्टोर करना है इस यूजर डिटेल टाइप का, तो यहीं पे हम इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, बनाएंगे नहीं, यूडी इक्वल टू नल। ये कब बनेगा, 10 रिकॉर्ड है तो 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए ना, 10 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे यूडी इक्वल टू न्यू यूजर डिटेल, एक नया ऑब्जेक्ट हर इंडेक्स के लिए, यहाँ किया यूडी डॉट सेट नेम आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर दिया कॉलम का नाम जो टेबल के अंदर है, यूडी डॉट सेट आईडी, आईडी क्या है, आईएनटी टाइप का है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आरएस डॉट गेट आईएनटी,
ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम पास कर दिया आईडी यूडी डॉट सेट एक्टिव, ये क्या है बुलियन टाइप का है, तो आरएस डॉट गेट बुलियन, यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया एक्टिव नाम से अगर कॉलम है तो एक्टिव पास कर दिया। तो ऐसे ही कर करके हमने क्या किया ऑब्जेक्ट अपना तैयार कर लिया यूडी, इसको क्या करेंगे इस लिस्ट के अंदर डाल देंगे यहाँ पे डॉट एड और ये किया और इसी को रिटर्न कराया। तो स्टेप बाय स्टेप समझो हो क्या रहा है, मेथड के अंदर आया एक लिस्ट टाइप का, यूजर लिस्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, अगले में एक वेरिएबल बना के वहां पे क्वेरी हमने लिख लिया और कनेक्शन से स्टेटमेंट को निकाल लिया क्रिएट करके, ठीक उस स्टेटमेंट से हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो हमें आरएस मिल गया रिजल्ट सेट जहां पे हमारी सारी डेटा है। ठीक है, अब इस रिजल्ट सेट को हम वैलिडेट कर रहे हैं कि ये नल तो नहीं ना है, अगर नल नहीं है, अगर नल होता ये यहीं पे अगर नल होता तो क्या करता ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता पूरा ब्लॉक, तो क्या होता ये नल रिटर्न कर देता यहां से, यूडी लिस्ट में नल ही मिलता। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हुआ यूडी लिस्ट को हमने क्या किया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एक नया, ठीक है, डेटा जब मिला उसके बाद यूजर डिटेल का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, वो यहां भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कॉमन बना के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आरएस को हमने नेक्स्ट कर दिया था, हम वाइल जब चलाएंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ जाता, इससे पहले हमने क्या किया वाइल चलाने से पहले उसको प्रीवियस कर लिया। ठीक है, प्रीवियस कर लिया, अब हमारा जो आरएस था वो ओरिजिनल मोड में आ गया, अब वाइल चला रहे हैं। ये वाइल तब तक चलेगा जब तक आरएस के अंदर डेटा रहेगा, 10 डेटा है तो ये 10 बार चलेगा और 10 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटा उस ऑब्जेक्ट में सेट करेगा और जो हमारा ग्लोबल लिस्ट बनाया है उस लिस्ट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट कहीं पे भी इस पॉइंट में? सर यूजर डाउट एक बार क्या समझ सकते हैं? क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। सर इसको ऊपर लेना स्क्रॉल करके। कहाँ स्क्रॉल करें? ऊपर एकदम पब्लिक लिस्ट टूल यूजर, ये मेथड बनाया है ना, मेथड तो बनाना जानते हो ना कि ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मेथड का नाम दे दिया, ये रिटर्न टाइप है उसका, जब रिटर्न टाइप जो दिए हो वही रिटर्न कराओगे ना यहाँ पे। ये वीडियो देखना, सुनो ये कोड मैं भेज रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखना दोबारा से, इसको शेयर करता हूं मैं, ठीक है, और यहां पे मिल भी जाएगा जो कोड हमें चाहिए वो सारा कोड मिल भी जाएगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे एम्प्लॉय डाओ में जाओगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो कल ही हमने ही बनाया था, लॉगिन डाओ में भी नहीं है, चलो इसमें तो लिख दिया ये है ना, कोड तो भेज भी दिया, ठीक है। तो एक टास्क करना है पूरा पैटर्न फॉलो करते हुए, कॉन्फिग पैकेज, सर्विस पैकेज, डाओ पैकेज, मॉडल पैकेज सब बनाते हुए एक क्रड बनाओगे यूजर रजिस्ट्रेशन का। जेएसपी के अंदर एक फॉर्म डिजाइन होगी जो पहले किया था उसी फॉर्म को यूज करना, उससे कंट्रोलर पे आएगा, इसके कोड को देखना बट लिखना खुद से, ठीक है, और पूरा का पूरा क्रड करना, एक इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट बाय आईडी, अपडेट, डिलीट, पांच मेथड हो गए, पांचों मेथड मुझे चाहिए होंगे। सैटरडे संडे का टाइम है, आराम से करो, कोई भी डाउट हो आपस में डिस्कस करो, वीडियो देखो, प्रोजेक्ट को रेफर करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर।